का शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जो कि मंदसौर से आ रही है, जहां पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में माली समाज के लोगों ने हंगामा किया है, धरना दिया गया है, नारेबाजी की गई है। माली समाज ने एसडीएम शिवलाल शाके के खिलाफ नारेबाजी की है। माली समाज का आरोप है कि एसडीएम बिना सूचना बिना नोटिस के बरसों पुरानी धर्मशाला को जेसीबी लेकर तोड़ने आ गए। माली समाज का दावा है कि 1973 से माली समाज की यहां पर धर्मशाला बनी हुई है। पशुपतिनाथ मंदिर के निर्माण और विस्तार में उन्होंने भी सहयोग करने की बात कही है, लेकिन पहले उन्हें वैकल्पिक जगह दी जाए, ये मांग इस समाज ने उठाई है। इस मामले में मंदिर प्रशासक, एसडीएम शिवलाल शाक्य या अन्य कोई भी अधिकारी सामने नहीं आ रहा है। मौके पर बुलडोजर खड़े हैं। मंदिर के आसपास के कुछ इलाकों में तोड़फोड़ की कार्रवाई भी चल रही है। आज दिन तक हम नियमों का पालन करके इस धर्मशाला को मंदिर ट्रस्ट के हित में और यात्रियों की सेवा के लिए इसको संचालित लगातार कर रहे हैं, और मंदिर ट्रस्ट की यहाँ शोभा बढ़े इसके लिए हम भी प्रयासरत हैं। और शासन जो है हमारे को बिना नोटिस दिए आज यहाँ जेसीबी लेके यहाँ हमारी धर्मशाला तोड़ने के लिए आ गए। हमारी मांग तो जमीन के बदले जमीन चाहिए। हमारे पुरखों ने एक एक रुपये इकट्ठा करके जमीन बनाई है, और एसडीएम के खिलाफ बैठे हैं, शासन के खिलाफ बैठे हैं, एसडीएम की दादागिरी है। आज जेसी बगैर नोटिस दिए जेसीबी लेके एसडीएम यहाँ कैसे आ सकते हैं? एसडीएम स्वयं चाहते हैं कि शांति भंग हो, और हम यहाँ शांति बनाए रखने के लिए बैठे हैं। तो माली समाज ने यहाँ पर हंगामा और नारेबाजी की है। यहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर के विस्तार का कार्य चल रहा है, ऐसे में यहाँ इस समाज का कहना है कि एसडीएम ने बिना किसी नोटिस के बिना इन्फॉर्मेशन के जो बरसों पुरानी समाज की धर्मशाला है उसे तोड़ने के लिए जेसीबी लेकर पहुंच गए। हमारे सहयोगी नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, इस समाज के लोग तो यहां पर सीधा और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई, नोटिस नहीं दिया गया, सीधे जेसीबी आ गई कार्रवाई करने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, समाज के लोगों का यही कहना है कि 1973 से यहाँ पर समाज की धर्मशाला है, और जब पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय से जब यात्रियों को यहाँ पर रुकने की जरूरत पड़ती थी उस समय यही धर्मशालाएं जो है यहाँ पर आने वाले यात्रियों के लिए सहारा बनती थी। बाद में पशुपतिनाथ मंदिर का विस्तार हुआ, सहस्रलिंग महादेव का यहाँ पर विस्तार होकर लोकार्पण हुआ, उस समय तत्कालीन कलेक्टर गौतम सिंह ने पहल की थी कि आसपास की जितनी धर्मशालाएं हैं इनका अधिग्रहण किया जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन उस समय माली समाज के पदाधिकारियों से बात नहीं बनी। उनका कहना था कि हम पहले से यहाँ मौजूद है और हमने जब धर्मशाला बनाई थी तो यात्रियों की सुविधा के लिए बनाई थी, और इसमें यात्रियों की सुविधा का ही पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सामाजिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कोई कमर्शियल उपयोग नहीं है। उस समय बात नहीं बनी, लेकिन बाद में पशुपति महाकाल लोक की तरह मंदसौर में भी पशुपतिनाथ लोक की घोषणा हुई और अब मंदिर परिसर को बड़ा करने की आवश्यकता हुई। लगातार माली समाज के अधिकारियों से बात उनकी चल रही थी, लेकिन आज अचानक एसडीएम शिवलाल शाक के वहां पर बुलडोजर लेकर के पहुंचे और धर्मशाला को बुलडोजर कार्रवाई के तहत हटाने की कार्रवाई जब वहां पर की जाने लगी तो माली समाज के पूरे जिले और जो इसको चोखरा बोलते हैं माली समाज का चोखरा उसके सारे पंच इकट्ठा हो गए और उन्होंने शिवलाल शाक के एसडीएम जो है उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि 1973 से हम यहाँ पर मौजूद है, बिना सूचना और नोटिस के हमको क्यों हटाया जा रहा है। साथ ही समाज के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि हम पशुपतिनाथ लोक के समर्थन में है, यहाँ पर विस्तार के समर्थन में है और हम ये जमीन देने को भी तैयार है, लेकिन हमको वैकल्पिक जमीन दे दी जाए। इस मामले में हमने एसडीएम से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि उसके बाद हमारे तहसीलदार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इनको जमीन दूसरी दे रहे हैं, लेकिन अभी इस मामले में कागजी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है, केवल आश्वासन उनको दिया जा रहा है कि आपको दूसरी जमीन दे देंगे, लेकिन माली समाज इसी बात पर अड़ा हुआ है कि पहले हमको जमीन दो, हमसे जो भू भाटक जमा करना वो राशि भी आप जमा करो। सिर्फ जबानी भरोसा उन्हें नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात उमरिया की, जहां डिजिटल सिग्नेचर के जरिए 4 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। हालांकि जिन 7 जमीन मालिकों को मुआवजा दिया गया उनका भुगतान लाखों में होना था। इसे लेकर एसडीएम बांधवगढ़ ने पुलिस पर शिकायत की है। शिकायत में एमपीआरडीसी के अधिकारियों पर गड़बड़ी करने के आरोप है। ये कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर मेल आईडी का पासवर्ड लिया गया और गड़बड़ी की गई। हालांकि एमपीआरडीसी के अधिकारियों का यह कहना है कि इसके लिए एसडीएम भी जिम्मेदार हैं। फिलहाल भुगतान किए गए खातों को होल्ड करा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 7 जमीन के मालिकों का मुआवजा
11 साल से लंबित था। मुआवजे की राशि के निर्धारण को लेकर विवाद था। इस मामले में अंतिम फैसला आने से पहले ही भुगतान कर दिया गया, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले एसडीएम बांधवगढ़ रीता डेहरिया जी ने एक लिखित पत्र थाने में प्रस्तुत किया है, जिसमें उनका कहना है कि एमपीआरडीसी के सहायक प्रबंधक और उनके एक साथी कुछ मुआवजे की राशि जिसमें हस्तांतरित होनी थी, उसमें उनका कहना है कि मेरी जानकारी के बिना डिजिटल हस्ताक्षर इन्होंने प्राप्त किए और बिना उनकी जानकारी के पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। ये पैसे मुआवजे के थे और इसकी राशि लगभग 4 करोड़ रुपए थी। डिजिटल सिग्नेचर जो है वो अनुभागीय अधिकारी को ही लगाना होता है और उनके ही अधिकार क्षेत्र का होता है। दिनांक 4/4/2024 को हम लोग आए थे और एनरोलमेंट की कार्रवाई की थी। उसके पश्चात दिनांक 5/4/2024 को उनके द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग करके भुगतान की कार्यवाही अग्रेसित की गई है ना, भुगतान 17/5। तो यहाँ डिजिटल सिग्नेचर के जरिए 4 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कर लिया गया। जो मुआवजा देना था वो लाखों में उसका भुगतान होना था। अब इसे लेकर एसडीएम बांधवगढ़ ने पुलिस में शिकायत की। आपने सुना ही, शिकायत में एमपीआरडीसी के अधिकारियों पर भी गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है रजिस्ट्रेशन के नाम पर मेल आईडी का पासवर्ड दिया गया और गड़बड़ी की गई। हालांकि एमपीआरडीसी ने गड़बड़ी से इनकार किया है। उनका कहना है कि इसके लिए एसडीएम भी जिम्मेदार है। फिलहाल भुगतान किए गए खातों को होल्ड करा दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो मुआवजा जब लाखों में होना था तो फिर करोड़ों में उसकी पेमेंट क्यों की गई, अपने आप में ये सवाल है। एसडीएम ने पुलिस से शिकायत की है, जबकि जो एमपीआरडीसी के जो अधिकारी हैं वो एसडीएम को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जांच होगी कि गड़बड़ी कहां किस एंड से की गई है। एमपीआरडीसी का गड़बड़ी से इनकार है। मुआवजे के भुगतान पर उमरिया में ये पूरा मामला अब सुर्खियों में है। डिजिटल सिग्नेचर से छेड़छाड़ की शिकायत की गई है। मेल आईडी पासवर्ड लिया गया था। खंडवा में जांच एजेंसी की कार्रवाई देखने को मिली, जब आईएम का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया। एमपी एटीएस ने यह गिरफ्तारी की है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है। और जांच एजेंसी की यह कार्रवाई तड़के सुबह की गई। आईएम के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया, मोबाइल भी जब्त किया गया है। और तड़के सुबह ये कार्रवाई हुई, जब एटीएस की टीम, एमपी एटीएस की टीम यहां पर पहुंच गई थी और पहले इस कार्रवाई को लेकर कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी इन 2 लोगों की हुई है, जिनमें से एक नाबालिग है। तस्वीरें वहां लगे कैमरे में जो रिकॉर्ड हुई थी, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अमित जायसवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, पहले तो जांच एजेंसी की ओर से कुछ कहा नहीं जा रहा था पुख्ता तौर पर, अब क्या कहा गया है? क्या दोनों ही आतंकी बताए जा रहे हैं? किस तरह का कनेक्शन इनका था, क्या जानकारी? मध्य प्रदेश की जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है एटीएस ने खंडवा में आज सुबह जो कार्रवाई की थी, उसमें ये चीजें निकलकर सामने आई है कि फैजान नाम का जो एक युवक है और एक नाबालिग है, उन दोनों को यहां से उठाया गया था। और आशंका ये जताई जा रही थी कि प्रतिबंधित संगठन सिमी और आईएसआईएस से संबंध है, और अब जो है ये बात भी सामने आ रही है कि आईएम से भी इनके संबंध है। इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। और खास बात यह है कि खंडवा का ही जो अब्दुल रकीब कुरैशी था, जिसे पिछले साल एसटीएफ बंगाल और एनआईए कोलकाता ने उठाया था, उस अब्दुल रकीब कुरैशी से इनके कांटेक्ट जो होने की वजह से ही इनकी आज गिरफ्तारी हुई है। और अब जितने भी ये संगठन हैं जिनके लिए भी इनके काम किए जा रहे हैं या जिनसे भी इनका जुड़ाव है, उन सारे बिंदुओं पर यहाँ से जानकारियां जुटाई जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके घर के जो परिवार के जो अन्य सदस्य थे उनके मोबाइल भी ले लिए गए हैं और सारी चीजें देखी जा रही है कि आखिर किन वजहों से
ये सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि खंडवा संवेदनशील रहा है, यहाँ का पुराना सिमी का इतिहास भी रहा है, तो इसलिए इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इस पूरे मामले में एटीएस और अन्य एजेंसियां लगातार सक्रिय है और आज इस तरह की कार्रवाई यहाँ देखने को मिली है। जिन दोनों ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है अमित, उनके अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, किस तरह का प्रोफाइल रहा है, क्या जो नाबालिग था वो पढ़ाई कर रहा था, दूसरा शख्स क्या कहीं नौकरी करता था, इस बारे में क्या जानकारी? जी, बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इनका बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण है, ये मैकेनिक का काम करते हैं। जो नाबालिग है वो भी मैकेनिक का ही काम करता है और जो अब्दुल रकीब कुरैशी था वो भी इसी तरह के कामों से जुड़ा था और कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आने के बाद इनका गठजोड़ हुआ होगा, कहीं बातचीत हुई होगी और कहीं ऐसी कोई संदिग्ध बातचीत या ऐसी कोई रिकॉर्डेड चीज आई है एटीएस और जांच एजेंसियों के माध्यम हाथ में जो अब इनको गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर कोई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगा है, कोई महत्वपूर्ण कड़ी हाथ लगी है, उसके बाद ही ये गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर एटीएस की ओर से की गई है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरी बातचीत के लिए। गुस्से में उबाल और सड़क पर बवाल, एमपी से दे दनादन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। इंदौर में पब के बाहर लड़कियों ने मिलकर एक लड़के को जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई कर दी। इधर इंदौर में ही दुकानदार को शराबी लड़कों के गुस्से का शिकार होना पड़ा, तो वहीं बैतूल में खेत में मच गया घमासान। मिनी मुंबई यानी इंदौर की ये तस्वीर है जिस वीडियो में लड़कियां और लड़के मिलकर इस लड़के की जमकर धुनाई कर रहे हैं। पब के बाहर हंगामा हुआ, मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कैद है नाइट कल्चर की कहानी। विजयनगर थाना इलाके का पूरा मामला है। पब के अंदर कमेंट करने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में साफ नजर आता है। अब इंदौर शहर की एक और तस्वीर देखिए, यहाँ भी गुस्से में उबाल है लेकिन किसी पब के बाहर बखेड़ा नहीं हुआ, बल्कि एक दुकानदार शराबी लड़कों के गुस्से का शिकार हुआ। विजयनगर चौराहे पर हंगामा हुआ, हंगामे की वजह भी हैरान करने वाली है। महज कार हटाने की बात को लेकर नौबत यहाँ तक आ पहुंची। शराबी युवकों ने कार से डंडा निकालकर दुकानदार मुकेश के सिर पर हमला बोल दिया। फरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। विजयनगर थाना पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। अब एमपी के एक और शहर की तस्वीर, बैतूल में किसान परिवार के साथ मारपीट का वीडियो वायरल है। खेत में घमासान मचा है, तैश में आकर ये शख्स इस किसान को मुंह पर लात मारता है। अब इस झगड़े की वजह सुनिए। जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, किसान परिवार केस जीत गया, खेत में बुवाई शुरू कर दी, दूसरे पक्ष की हार की बौखलाहट ऐसे नजर आई। 14 लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता और बैतूल में ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपने जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया, कहा कि अब वो हिंदू राष्ट्र के लिए व्यापक रूप से काम करेंगे। साथ ही उन्होंने हाथरस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण भी बताया। बागेश्वर बाबा ने भोले बाबा के सत्संग पर सवाल उठाए और कहा कि साधु तब माना जाएगा जब वो अपनी वेशभूषा में होगा। बागेश्वर बाबा ने राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर बयान पर कहा कि हिंदू जैसा अहिंसक दुनिया में कोई नहीं है। इस साल हम हिंदू राष्ट्र के लिए और व्यापक रूप से कार्य कर पाए। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की यात्रा जन जन तक पहुंचाएंगे। संतों का आशीर्वाद मिला है, लाखों करोड़ों लोगों का आशीर्वाद मिला है। इस आशीर्वाद को सिर पर हमने रखा, निश्चित रूप से अब हमारा बाल बांका नहीं। हाथरस मामले में क्या कहेंगे आप, हाथरस में जो घटना हुई है? हाथरस का मामला उतना तो हमें उसका पूरा जानकारी नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना, देश का दुर्भाग्य है भाई। मीडिया आपको तब माना जाएगा जब आप कार्ड और आईडी लेकर के आएंगे, और पुलिस तब माना जाएगा जब वर्दी होगी आपके पास। उसी प्रकार आप साधु तब माने जाएंगे जब आपके पास वेशभूषा, ज्ञान और अपने राष्ट्र के प्रति और सनातन के प्रति सम्मान है। नेताओं पर कोई बयानबाजी नहीं, पर हिंदू जैसा अहिंसक दुनिया में कोई नहीं। धार की भोजशाला के सर्वेक्षण की रिपोर्ट
सामने आई है। हाईकोर्ट में पेश करने के लिए एएसआई को 2 और हफ्तों का वक्त मिल गया है। अब एएसआई 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश कर सकती है। तो धार की गौशाला के सर्वे की रिपोर्ट के मामले में 2 और हफ्तों का वक्त मिल गया है एएसआई मांगा था। आज क्या आप लोग जानते हैं, विगत दिनों एएसआई ने रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। आज माननीय न्यायाधीशों ने एएसआई को आगामी 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देशित किया है, साथ ही प्रकरण में आगामी तिथि 22 जुलाई निर्धारित की है। जी, जानकारी लगी कि पिछले दिनों जैन समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि यह मंदिर जैन मंदिर है, इसलिए हमें दिया जाए। तो धार के समग्र जैन समाज ने मंगलवार को भोजशाला में उपस्थित होकर उन व्यक्तियों का विरोध किया है। वो कहा है कि हम सनातन धर्म का हिस्सा हैं और इस पूरे प्रकरण में हम सनातन धर्म के साथ हैं। और अब बात बैतूल की, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा के गोस्वामी तुलसीदास को गवार कहने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान के विरोध में बैतूल में गोस्वामी समाज ने रैली निकाली। इस दौरान लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास गवार नहीं है और पंडित प्रदीप मिश्रा होश में आओ के नारे लगाए। गोस्वामी समाज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया, साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा को चेतावनी भी दी गई, जिसमें कहा गया कि अगर पंडित प्रदीप मिश्रा ने गोस्वामी समाज से माफी नहीं मांगी तो उनके हर कार्यक्रम में विरोध प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने कथावाचन में कहा था कि हमें कुछ नहीं आता, हम तो तुलसीदास जैसे गवार हैं। आगे की कार्रवाई ये रहेगी, उन्होंने माँ ताप्ती जी के बारे में और इससे पूर्व राधा रानी के बारे में भी उन्होंने जो कहा था, इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी को जो उन्होंने गवार की संज्ञा दी है, तो उससे पूरे गोस्वामी समाज में आक्रोश है और सभी गोस्वामी समाज के संगठन उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो कथा में गोस्वामी समाज से माफी मांगे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए विवादित बयान पर बवाल अभी थमा ही था कि यूपी के कथावाचक ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बोल बोले हैं। इस पर उज्जैन के निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद ने अखाड़ा परिषद को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। मुझे पीड़ा इस बात की है कि राजनीतिक व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के कारण कभी भी कोई भी बयान दे सकता है और उस बयान से बदल भी सकता है, लेकिन आज तो जो हमारे धर्म के क्षेत्र में, सनातन के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, वो लोग भी सनातन धर्म के विपरीत बयान दे रहे हैं। ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी या प्रदीप मिश्रा या बागेश्वर धाम या मैं अगर इस तरह के कुछ बयान दें तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए, क्या करना चाहिए? आज सनातनी समाज को इसके लिए खड़े होने की आवश्यकता है। जो हिंदू के लिए खड़े हो रहे हैं उन्हें सनातन के लिए भी खड़ा होना चाहिए। गुरुवार को जबलपुर में 2 हादसे हुए जिसमें कुल 5 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप पलटने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरे हादसे में 2 बाइक की जोरदार टक्कर हुई जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। दोनों ही घायलों को विक्टोरिया अस्पताल में रेफर किया गया है। तो पिकअप पलटने से यहाँ पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं 2 और लोगों की मौत हुई 2 बाइक की टक्कर में। भिंड में एक बिजली विभाग के दफ्तर में सांप देखकर कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। मामला शहर के आईटीआई कॉलेज स्थित बिजली विभाग के जोन कार्यालय का है जहां दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों ने सांप को बमुश्किल कार्यालय से बाहर निकाला। बता दें कि 10 दिन पहले भी इसी दफ्तर में 2 सांप निकले थे। बुरहानपुर और आगर मालवा में तेज बारिश हुई है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, किसान बरसात को लेकर काफी खुश हैं। तो वहीं आगर मालवा में बारिश के बाद सड़कों पर पानी ठहर गया, लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में टॉप 20।